हिंदू धर्म में जन्माष्टमी का पर्व 26 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दिन कुछ विशेष राशि वालों को धन लाभ के साथ में स्वास्थ्य में भी लाभ मिलेगा। आइए जानते हैं। भारतवर्ष जो है वह अनेक प्रकार के शास्त्रों से जुड़ा हुआ है तथा अनेक प्रकार के उत्सव त्योहारों से जुड़ा हुआ है। यह अभी पर्व आने वाला है जो जन्माष्टमी आ रही है, जो 26 अगस्त सोमवार के दिन आ रही है। यह जन्माष्टमी के दिन अनेक प्रकार के बहुत से शुभ योग बन रहे हैं तथा विशेषकर यहाँ पर एक जो योग बन रहा है ये वृषभ राशि में चंद्रमा यहाँ पर स्थिर रहेगा। वृषभ राशि में स्थिर रहने का अर्थ यह है कि जब भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था भादो मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन जो जन्म हुआ भगवान का, उस दिन भी यही योग बन रहा था और अनेक वर्षों बाद यह योग दोबारा बन रहा है। और इस योग में मुख्यतः प्रमुख ये जो राशियां बताई जा रही हैं, इन राशियों में अनेक प्रकार के लाभ तथा धन आदि की वृद्धि रहेगी। तथा पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि में भगवान श्री कृष्ण अष्टमी के दिवस पर अनेक प्रकार के शुभ कार्य होंगे तथा अनेक प्रकार से धन लाभ आदि की तथा मान सम्मान में वृद्धि होगी। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह जन्माष्टमी का पर्व बहुत खास रहने वाला है। इसमें कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी तथा रुके हुए कार्य में अगर कोई रुका हुआ कार्य हो तो पूर्ण होने होगा तथा कार्य क्षेत्र में रहने वाले सहयोगी का साथ मिलेगा। सिंह राशि वाले जातकों के लिए यह जन्माष्टमी का पर्व बहुत ही खास रहने वाला है। इसमें समाज में मान सम्मान की वृद्धि होगी तथा कार्य क्षेत्र में सम्मान की वृद्धि होगी तथा मान सम्मान के साथ में कार्य में भी लाभ मिलेगा। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह जन्माष्टमी का पर्व बहुत खास रहेगा, जो कि इसमें व्यक्ति को धन समृद्धि का प्राप्त होगी तथा स्वास्थ्य में लाभ प्राप्त होगा।